शांति से निपटा शुक्रवार की नमाज का इम्तिहान। नमाज के बाद भी तमाम शहरों में रही शांति। दिल्ली से सटे जिलों में रहा अमन चैन। संवेदनशील शहरों में भी शांति से हुई नमाज। दिल्ली दंगों के बाद बड़ा टास्क था शुक्रवार की नमाज। यूपी में जारी हुआ था अलर्ट। नोएडा गाजियाबाद में नहीं दिखा कोई गुब्बार। अलीगढ़ बुलंदशहर में भी नहीं चढ़ा विरोध का खुमार। मेरठ मुरादाबाद से आई शांत तस्वीरें। सहारनपुर में भी नहीं हुई कोई तकरीर। सीएम योगी की सख्ती का मॉडल रहा हिट। योगी हैं तो मुमकिन है। जी हाँ, योगी हैं तो मुमकिन है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं योगी मॉडल हिट है। देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा हुई, आगजनी की गई, पथराव हुआ, सैकड़ों लोग घायल हुए, कई जाने गई। नफरत फैलाने वालों ने दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया। धर्म को हथियार बनाकर दंगाइयों ने इंसानियत का नाम मिटाने की हर संभव कोशिश की। तीन दिन तक चले इस हिंसक काल के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि जुमे की नमाज से दिल्ली पुलिस की परेशानी बढ़ने लगी। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस के लिए शुक्रवार का दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं था। जुमे के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती थी, जिसे सतर्कता बरतते हुए पुलिस ने पार कर लिया। 72 घंटों तक दर्द से बिलखती रही दिल्ली के जख्मों पर इंसानियत का मरहम लगाने के लिए सैकड़ों हाथ कुछ इस कदर आसमान की ओर उठे। नफरत में झोंक दी गई दिल्ली की दीवारों से उड़ा अमन और चैन का रंग कहीं रिश्ता ना रह जाए। देश का मुकद्दर लिखने वाली दिल्ली का अजान और आरती की धुन पर एक साथ झूमने वाला इतिहास कहीं दंगों में झुलसा ना रह जाए। शांति की परवाह करने वाले परिंदों ने अल्लाह से दिल्ली में भाईचारे की दुआ मांगी। हम लोग संयम रखें, किसी कंफ्यूजन या किसी भ्रम में ना आए, अपने इलाके में पूरी तरीके से अमन रखें। इसी में हमारे सबकी भलाई है, भाईचारा कायम रखें, सद्भाव कायम रखें। दिल्ली हिंसा के बाद पहली बार मुस्लिम समाज के लोग जुम्मे की नमाज के लिए घरों से बाहर निकले। दिल्ली पुलिस के लिए ये दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए ये इम्तिहान बेहद कड़ा था। नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही पुलिस प्रशासन को आदेश जारी कर दिए थे। जुमे का दिन शांतिपूर्वक बीते, लिहाजा पुलिस पहले से ही सतर्क थी। पुलिस अधिकारियों ने जुमे की नमाज के लिए कड़े इंतजाम किए थे। राजधानी में शांति स्थापित करने के लिए अधिकारियों ने जुमे की नमाज से एक दिन पहले फ्लैग मार्च निकाले। जुमे की नमाज को लेकर राजधानी में पुलिस के आला अधिकारी अलर्ट पर रहे। अधिकारियों ने मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर लोगों से शांति की अपील की। नमाज के बाद राजधानी से कोई अनहोनी की खबर सामने नहीं आई। लोग दिल्ली और देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगते नजर आए। मुरादाबाद, यहां भी
जुमे की नमाज के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जुमे की सुबह से ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अलर्ट पर रहे। नमाज के दौरान ईदगाहों से लेकर जामा मस्जिद तक पूरा इलाका छावरी में तब्दील रहा। इस दौरान पुलिसकर्मी सादे कपड़े पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहे ताकि शरारती तत्वों पर नजर रखी जा सके। जुमे की नमाज यहां भी शांतिपूर्वक अदा की गई। मेरठ शहर बेहद संवेदनशील है, लिहाजा यहां कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन जुमे के दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शहर में सुरक्षा के इंतजाम कड़े थे। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे इसके लिए शहर को 11 जोन में बांटा गया था। शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया जिसके चलते शहर पूरी तरह से शांत रहा। अलीगढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिला सबसे ज्यादा संवेदनशील है। यहां CAA को लेकर अभी भी कई संगठन धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में यहां भी सुरक्षा के इंतजाम मजबूत दिखाई दिए। नमाज के दिन यहां भी सतर्कता बरती गई। अधिकारी सुबह से ही चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी गई। अलीगढ़ से कोई भी अनहोनी की खबर नहीं आई। सहारनपुर जुमे की नमाज को लेकर सहारनपुर में भी हाई अलर्ट जारी था। यहां भी चप्पे चप्पे पर PAC और RAF के जवान नजर आए। CCTV कैमरों के जरिए निगरानी रखी गई। नमाज से पहले पुलिस ने आम जनता को शांति बनाए रखने का संदेश भी दिया, जिसके चलते सहारनपुर बिल्कुल शांत रहा। यहां भी देश की तरक्की के लिए लोगों से आसमान की ओर हाथ उठे। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीर हमने आपको दिखाई और तैयारियां दिखाई कि किस तरीके से जुमे की नमाज को देख के तैयारियां रखी गई थी और कह सकते हैं कड़ा इम्तिहान था जिसे पार कर लिया गया। जुमे की नमाज वाले दिन सुबह में शांति रही, इसके पीछे योगी मॉडल का नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उपद्रवियों को डर था कि अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश में हिंसा की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो योगी सरकार उस नुकसान की भरपाई करके रहेगी। क्या है योगी मॉडल और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाएगा, तोड़फोड़ करेगा, उसकी संपत्ति से हम वसूली करके ले लेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सजे मंच से किया गया सीएम योगी का ये ऐलान कानून के विरोध में हिंसा फैला रहे उपद्रवियों के लिए आफत बन गया। दरअसल CAA के विरोध में फैली आग उत्तर प्रदेश पहुंची तो यहां भी उपद्रवियों ने खूब हंगामा मचाया। लखनऊ, संभल, कानपुर तमाम जिलों में उपद्रवियों ने हिंसा की। इस हिंसा में सरकारी बसों से लेकर पुलिस चौकियों तक को जला दिया गया। हिंसा में 22 लोगों की मौतें हुई। December 19 को उपद्रवियों ने कानून के नाम पर जमकर कोहराम किया। लखनऊ के हसनगंज इलाके में आगजनी की गई, वाहनों को जलाया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, यहां तक कि पुलिस चौकी को भी फूंक दिया गया। इस हिंसा में एक शख्स की जान भी चली गई। उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस हिंसा से लखनऊ में करीब 5 करोड़ रुपयों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। नुकसान की भरपाई करने के लिए सीएम योगी ने संपत्ति वसूली का आदेश जारी किया और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि सब चिन्हित चेहरे हैं। लखनऊ में हुई हिंसा के जिम्मेदार रहे लोगों को पहचाना गया, जिसके बाद
80 से अधिक लोगों को नुकसान की रकम जमा करने की नोटिस भी जारी किया गया। ये रकम उन्हें 19 मार्च तक जमा करनी है। इसी तरीके से दूसरे शहर रामपुर, संभल, गाजियाबाद में भी योगी मॉडल के तहत कार्रवाई की गई। हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति में हुए नुकसान की वसूली के लिए रामपुर में प्रशासन ने 28 उपद्रवियों को वसूली का नोटिस भेजा। गाजियाबाद में 28 लोगों को नोटिस भेजा गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दंगाइयों की दुकानें सील की। योगी मॉडल के तहत किस संपत्ति के लिए कितना वसूलना है, इसके लिए भी रकम तय की गई। पुलिस की जीप को नुकसान पहुंचाने पर 7.5 लाख रुपयों का नोटिस। पुलिस की मोटरसाइकिल के लिए 90,000 रुपयों का नोटिस। बैरिकेडिंग और पुलिस बैरियर तोड़ने के लिए 3.5 लाख रुपयों का नोटिस। इस मॉडल का असर ये हुआ कि 19 दिसंबर के बाद सूबे में हिंसा नाम मात्र के लिए हुई। सीएम योगी का ये मॉडल हिट हुआ तो कर्नाटका की सरकार भी सीएम योगी के रास्ते पर चल पड़ी। वहां की सरकार ने भी हिंसक प्रदर्शन में हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए उपद्रवियों से वसूली का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। योगी मॉडल से घबराकर उपद्रवियों ने कहीं कोई बवाल नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। नमाज के बाद की स्थिति जानने के लिए R9 के रिपोर्टर्स मस्जिद और ईदगाह भी पहुंचे। वहां के हालात क्या रहे, कैसे पुलिस ने सख्ती बरती, इसका जायजा लिया लखनऊ से हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला ने। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद में आज जुमे की नमाज थी और नमाज को लेकर तमाम तरह के पुलिसिया प्रबंध किए गए थे और अलर्ट के तौर पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नज़र रखी गई थी। और इस वक्त हम लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि इस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। हालांकि लखनऊ की आवाम ने एक बार फिर से संदेश दिया कि यहाँ के लोग आपसी भाईचारे को पसंद करते हैं और अमन चैन से रहते हैं, और यही वजह थी कि शांतिपूर्वक से यहाँ से नमाज संपन्न हो गई और यहाँ के लोगों ने एक बार फिर से अमन का संदेश दिया है। लखनऊ से अमीश के साथ चंद्रमणि शुक्ला, R9 TV। लखनऊ के बाद गाजियाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ हमारे सहयोगी ने नमाजियों से बात की, दिल्ली हिंसा पर उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मोहम्मद खालिद। आज कहाँ पे हैं आप? नमाज हो गई? जी, सब में नमाज हो चुकी। शांतिपूर्वक हुई? पिछली बार यहाँ प्रदर्शन हुआ था। जी, पहले हुआ था, अब तो सब शांति है, सब नॉर्मल है। बिल्कुल, जैसा कि लोगों से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नॉर्मल सही तरीके से आज नमाज अदा की गई। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से अमन और अमन है, और मैं एक आवाम की हैसियत से, एक सिटीज़न की हैसियत से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोग संयम रखें, किसी कंफ्यूजन या किसी भ्रम में ना आए। बिल्कुल शांति से रहा, पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद रहा, शहर के लोग मुस्तैद रहे, सारे जो यहाँ के मौजूद हैं वो मुस्तैद रहे। सुबह 8 बजे से इलाके पर नज़र बना के रखे थे, सब लगे कि जो नमाज है वो पूरी हो चुकी है और बहुत शांति यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ किसी तरीके का कोई माहौल ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ कैलाभट्टा के लोग थे, सम्रांत लोग हैं, सारे के सारे सम्रांत लोग हैं। इनका साफ तौर पर कहना था कि अफवाहों से बचें, गाजियाबाद से नहीं। लखनऊ, गाजियाबाद के बाद बात अब मेरठ की। मेरठ बेहद संवेदनशील जिला माना जाता है, हिंसा भड़कने के चांस इस जिले में ज्यादा होते हैं। ऐसे में नमाज वाले दिन मेरठ का हाल कैसा रहा, कैसे अधिकारियों ने यहां सख्ती दिखाई और क्या क्या इंतजाम थे, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जुम्मे की नमाज संपन्न हो चुकी है, लेकिन सड़कों पर तमाम अधिकारी उतरे हुए हैं, कमिश्नर से लेकर ADG, SSP, तमाम IG। अब मेरे पीछे देखेंगे, कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ को दिखाएं, यहाँ पर प्रशासनिक और शासनिक अमला मौजूद है। और चूंकि आज जुमा था, जुमे की नमाज को अदा कराना बहुत कठिन था और पूरा एक टास्क था जिसको पूरा कर लिया गया है। ऐसे में दिल्ली की हिंसा के बाद मेरठ का पहला जुमा, और उस मेरठ का पहला जुमा जहाँ बीती 20 दिसंबर को हिंसा हुई हो, जुमे के दिन हिंसा हुई हो, हालांकि अब जो नमाज थी वो पूरी तरह संपन्न हो चुकी है। वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो दिल्ली से लेकर तमाम जो दिल्ली सटे जिले हैं वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है और जुमे की नमाज को संपन्न करा लिया गया है। अपने सहयोगी
सलमान के साथ मनोवर चौहान R9 टीवी मेरा। सीए के विरोध में रामपुर भी झुलसा था। दिसंबर महीने में हुई हिंसा में यहां भी उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। जुमे वाले दिन रामपुर में माहौल कैसा रहा, चलिए वो आपको बताते हैं। नमाज पढ़ने के बाद लोग अपने घरों को जा रहे हैं, पूरी तरह से शांति का माहौल है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, पूरे अमन के साथ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए और अमन के साथ अपने घरों को वापसी जा रहे हैं। किसी भी तरह का माहौल में यहाँ कोई तनाज़ा नहीं है। मेरे साथ ये भी देख सकते हैं आप, पुलिस फोर्स और पुलिस भी मौजूद है सारे रास्तों पे, नाकों पे पुलिस को रोका गया और पुलिस ने अपने जो है वो व्यवस्था संभाली हुई है। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। नमाज अदा हो चुकी है, ये जामा मस्जिद है रामपुर की, यहाँ से नमाजी फारिग होकर अपने अपने घरों को अमन और सुकून के साथ वापस जा रहे हैं। फहीम खान, रामपुर, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर बुलंदशहर भी है, संवेदनशील जिलों में आता है। यहाँ की स्थिति क्या रही, चलिए ये आपको दिखाते हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, नमाज हो चुकी है और नमाजी नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। जिस तरह प्रशासन ने, पुलिस ने और सामाजिक लोगों ने पूरे ऊपरकोट पर गश्त किया था और सबको ये मैसेज दिया था कि शांति के साथ नमाज पढ़ के और ऊपर वाले से अमन की दुआ करके सभी लोग शांति के साथ घर की तरफ चले जाएं, क्योंकि जनपद के अंदर धारा 144 लागू है जिसके चलते आप भीड़ इकट्ठी करके नहीं रुक सकते हैं। तो तस्वीरें आपने देखी, शांति के साथ नमाज पढ़ कर लोग अपने घर जा रहे हैं। कैमरामैन जाकिर के साथ मैं समीर अली, R9 TV, बुलंदशहर। सहारनपुर की बात कर ले, सहारनपुर में भी हजारों नमाजी जुमे के लिए घर से बाहर निकले, लेकिन यहां भी पुलिस ने कानून व्यवस्था संभाले रखा। जुमे की नमाज की जो शांति पूर्वक ढंग से पूरी हो चुकी है, इसका जो श्रेय जाता है वो पुलिस प्रशासन को जाता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SSP दिनेश कुमार पी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से सहारनपुर की जो नमाज है वो शांतिपूर्वक हो चुकी है, उस पर आपका क्या कहना है सर? इसमें पूरा जनपद सहारनपुर में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के द्वारा सेक्टर और जोनल स्कीम लागू कराया गया है। हम और DM साहब भी यहाँ पे चौकी सराय पे शुरू से लेके अंत तक बैठे रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ की जनता ने सहयोग किया है, यहाँ के पीस कमेटी मेंबर्स ने सहयोग किया है। ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार पी, SSP। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने जो सुरक्षा के इंतजाम किए थे, यहाँ पर जो पुलिस फोर्स तैनात किया गया था, उसके चलते यहाँ नमाज शांतिपूर्वक अदा हो चुकी है। कैमरा पर्सन मुकेश गिरी के साथ मीना चौधरी, R9 TV, सहारनपुर। अलग अलग जिलों की ये तस्वीर है, लेकिन कमोबेश खबर वही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। बात अलीगढ़ की कर ले, उत्तर प्रदेश में सीए को लेकर सबसे ज्यादा अगर कहीं हिंसा भड़की थी तो वो अलीगढ़ जिले में ही भड़की थी। हिंसा के कारण AMU को बंद करना पड़ा था, नेट अभी भी वहां बंद है। ऐसे में जुमे के दिन अलीगढ़ में माहौल कैसा रहा, चलिए वो भी बताते हैं। जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई और भारी तादाद में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स यानी RAF के अलावा PSC और सिविल फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। तो जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई और कुछ जगह धरना प्रदर्शन भले ही, यानी कुआरसी थाना क्षेत्र में महिला पुरुष भारी तादाद में बाईपास जाम करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से आज जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई है, जो बाईपास पर धरना चल रहा है वो कब तक खत्म हो पाएगा। अलीगढ़ से प्रमोद कुमार, R9 TV, उत्तर प्रदेश। कुल मिलाकर अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर सामने आई है, जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई है और पुलिस ने भी सख्ती दिखाई है। नज़र रखी जा रही थी कि किसी तरह की कोई हिंसा ना भड़के, और कहीं ना कहीं योगी मॉडल की वजह से, जिस सख्ती जो योगी सरकार ने दिखाई थी उस सख्ती की वजह से किसी तरह की कोई ऐसी खबर नहीं आई जो पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए बात हो कि वहाँ डील करना बहुत मुश्किल हुआ है। दिल्ली की बात कर ले अगर, तो दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। दिल्ली हाल ही में हिंसा से गुजरी, ऐसे में दिल्ली पुलिस को भी डर था कि कहीं इस दिन कोई अनहोनी ना हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जामा मस्जिद में भी शांति से नमाज अदा की गई। जुमे की जो नमाज है वो अदा हो चुकी है और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि सब नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलने लगे हैं, सब शांतिपूर्वक जो है अपनी घरों के ओर निकल रहे हैं। सुबह से हाई अलर्ट था,
पुलिस जो थी वो पूरी तरीके से चप्पो चप्पो पर थी ताकि कोई भी चूक ना हो, माहौल में कोई भी खराबी ना आए। तो इसके लिए सुबह से हर जगह नजरें बनी हुई थी। दिल्ली का माहौल जैसे बिगड़ता जा रहा है, हिंसा बढ़ती जा रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ हाई अलर्ट था। और अब सब ने अपनी नमाज अदा कर ली है, सब अपने घरों से निकल रहे हैं, तो जिस चीज का डर था वो नहीं हुआ। शांति बनी हुई है, माहौल जो है बिल्कुल ठीक है, लोग नमाज अदा करके अपने घरों की ओर निकल चुके हैं। कैमरामैन केसर के साथ मैं फराह खान, जामा मस्जिद, आनाई टीवी। 24 फरवरी को दिल्ली के चांदबाग में जमकर हिंसा हुई थी। हिंसाग्रस्त इलाकों में चांदबाग का इलाका भी शामिल था। जुमे वाले दिन यहाँ का माहौल कैसा रहा, चलिए वो दिखाते हैं। नमाज के बाद पुलिस लगातार निगरानी उन जगहों पर रखे हुए है जो संवेदनशील इलाकों में गिना जाते हैं। अभी हम चांदबाग इलाके में खड़े हुए हैं, आप देखिए किस तरीके से पुलिस ड्रोन की निगरानी रखे हुए है। ड्रोन से कई इलाकों में निगरानी रखी जा रही है, आसपास के इलाकों में पुलिस बल भी यहां पर तैनात है। नमाज पढ़ी जा चुकी है, लोग भाईचारे की बातें कर रहे हैं। दिल्ली की वो 24 फरवरी की रात, वो मंगलवार की रात, वो काली रात में याद करी जाएगी। जब भी दिल्ली को याद किया जाएगा इतिहास में, तो आप अभी फिलहाल की जो स्थिति देख सकते हैं, सामान्य है, लोग नमाज पढ़ के बाहर आ रहे हैं, लोग भाईचारे की बातें कर रहे हैं, शांतिपूर्वक माहौल बना हुआ है जो भी संवेदनशील इलाके हैं। कैमरामैन रोहन के साथ मैं अपना दीक्षित, R90। कहते हैं कोई भी काम अच्छी सोच अच्छी नीयत से किया जाए तो उसके परिणाम ज्यादातर सकारात्मक ही निकलते हैं। और योगी मॉडल अगर आज हिट है तो वजह यही है कि उपद्रवियों से निपटने का जो तरीका योगी आदित्यनाथ ने निकाला था कि किस तरीके से उन्हें उनसे वसूली की जाएगी, वो कहीं ना कहीं आज कारगर साबित हो रही है। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए।